नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है टेढ़े रिश्तों से भली तो टेढ़ी रोटी है। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। सुधा की नई नई शादी हुई थी। वैसे तो सुधा की मम्मी ने शादी से पहले उसे खाना बनाने की अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी, बस रोटियां बनाने के नाम पर उसके पसीने छूट जाते थे। वो बार बार अपनी मम्मी से पूछती, मम्मी तवा कितना गर्म करना है, आटा ज्यादा कड़ा या ज्यादा नरम तो नहीं हो गया। और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जब आटा गूंथ कर तैयार करती तो उसे बेलते समय इतने अलग अलग तरीके के आकार बना देती कि पता ही नहीं चलता कि यह रोटी है या किसी राज्य का नक्शा। खैर, सुधा शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल में सिर्फ उसके ससुर और पतिदेव ही थे। सासू माँ का देहांत हो चुका था। सुधा को कुछ दिनों तक तो रसोई घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शादी में आई हुई रिश्तेदारी की महिलाओं ने ही रसोई संभाला हुआ था। एक एक करके सब रिश्तेदार वापस लौटने लगे और एक दिन ऐसा आया जब सुधा को रसोई में जाना पड़ा। सुधा ने कटहल की सब्जी, मीठे में खीर, दाल फ्राई और चावल सब बना लिए थे। अब बारी थी गर्मा गर्म रोटियां बनाने की। वो आटे की लोइयां बनाती, रोटी गोल बनाने की कोशिश करती, फिर खराब होने पर उसे दोबारा बनाने की कोशिश करती। उसने सोचा कि किसी गोल कटोरी से रोटियां काट देती हूँ। लेकिन रसोई में बहुत ढूंढने के बाद भी रोटी के आकार की कटोरी उसे मिली ही नहीं। वह बड़ा परेशान हो गई। घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगे। तभी उसके ससुर जी रसोई में आए। उसे परेशान देखकर बड़े ही प्यार से बोले, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? अपने ससुर जी को देखकर उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। वो सोचने लगी, ससुर जी क्या सोचेंगे, मुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़ी रही। ससुर जी ने आगे बढ़कर आधी बेली हुई रोटी पर नजर डाली और ठहाका लगाकर हंस पड़े। अच्छा तो ये बात है, हमारी बहू रानी को रोटियां बनानी नहीं आती। सुधा की आंखें छलक उठी। वह धीमी आवाज में बोली, पिताजी मैं कोशिश कर रही हूं। अरे बेटा, तो इसमें इतना झिझकने वाली कौन सी बात है, तुम्हें नहीं आता है तो बता दो ना। तुम नहीं आई थी तो मैं ही किचन संभालता था। चलो हटो, रोटियां मैं बना देता हूँ, उसके ससुर जी प्यार से बोले। रोटियां बनाते बनाते उसके ससुर जी ने उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, तुम्हारे हाथों की टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी हम सब बड़े प्यार से खा लेंगे। रोटी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, पर हमारा रिश्ता हमेशा सीधा रहना चाहिए। रोटी गोल हो या टेढ़ी मेढ़ी, उससे उसके स्वाद में थोड़ी ना कोई फर्क आएगा। धीरे धीरे अपने आप गोल रोटी बनने लगेगी। लेकिन रिश्ता बिगड़ गया तो फिर उसे सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुधा ने अपने ससुर जी से कहा, जिस घर में आप जैसी सोच वाले अच्छे पिता हों, उस घर में रिश्ते कभी बिगड़ भी नहीं सकते। आज आपने मेरी कमी को कितने अच्छे से संभाल लिया। तभी सुधा का पति राजीव भी वहां आ गया और हंसते हुए बोला, सुधा तुम प्यार से खिलाओगी तो टेढ़ी रोटी भी अच्छी ही लगेगी। उसकी बात सुनकर सुधा मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती हुई शर्म से लाल हो गई। दोस्तों सही बात है ना, रोटी तो टेढ़ी मेढ़ी भी खाई जा सकती है, लेकिन रिश्ता सही बनाना ज्यादा जरूरी है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।